वैशाली महुआ प्रखंड के अंतर्गत सिंघाड़ा उत्तरी पंचायत के मुखिया से मुखिया पद के प्रत्याशी बेबी कुमारी देवी के पति व समाज सेवी प्रोफेसर सरोज कुमार सिंह उर्फ लाला सिंह ने जनसंपर्क के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि मैं पिछले 5 वर्षों में अपने पंचायत में शिक्षा स्वास्थ्य प्रधानमंत्री आवास योजना शौचालय जरूरतमंदों को राशन कार्ड एवं गरीब मजदूर भाइयों के लिए मनरेगा कार्ड मुहैया कराया। सरकार की जो भी योजनाएं थी वो जन जन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की और कामयाब भी हुआ। अगर जनता जनार्दन मुझे इस बार भी आशीर्वाद देती है तो मैं अपने पंचायत में खासकर जल निकासी की समस्या को दूर करूंगा। मैं अपने पंचायत के तमाम जनता जनार्दन को मान सम्मान और विकास के लिए ही फिर से चुनाव मैदान में आया हूं। मैं अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूं। वही जनसंपर्क में मुखिया पति के साथ आए हुए समर्थकों ने भी बेबी कुमारी देवी को पुनः सिंघाड़ा उत्तरी पंचायत की मुखिया बनाने की अपील की और उनके द्वारा किए हुए विकास की चर्चा की बतलाया कि सभी क्षेत्र में विकास हुआ है और हमारे पंचायत में सभी जाति धर्म के लोग बेबी कुमारी देवी के किए हुए विकास से काफी खुश हैं। जो उन लोगों को रोड देना नहीं चाहते वो हमारी प्रमुखता में रहेगी कि प्रथम काम में रोड सड़क का करें करें। वो आपकी धर्मपत्नी अभी इस पंचायत की मुखिया है और फिर से चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है जनता का रुझान? बहुत अच्छा। अगर इस बार चुनाव जीत के आ पाते हैं तो क्या खास होगा पिछले 5 वर्षों से हटके? हमारे पंचायत में जल जमाव की स्थिति बहुत गंभीर, पुराना गांव है, बसावट इसकी घनी आबादी है तो नाली निर्माण प्रमुखता से कराया जाए। ड्रेनेज सिस्टम के अलावा यहाँ कोई विकल्प नहीं है जल निकासी का और हम लोगों के गांव से बाया नदी होकर गुजरी है तो सारे जगह के नाली को ला के बाया नदी में ही डिस्पोजल करना पड़ेगा। यही मुख्य हमारा उद्देश्य रहेगा। और वार्ड नंबर 3, आप खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षाविद हैं, पूरे परिवार शिक्षा से, शिक्षा के बारे में क्या कहना है आपके पंचायत? शिक्षा तो जैसे तैसे चल रही है लेकिन सरकारी स्कूल से लोगों का मोह भंग हो चुका है तो हम